क्रिकेट उठाने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहर इकबाल की कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से खूबसूरती मांद पड़ने लगी है और शहर की आम शाहराओं और स्कूलों के बाहर कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। कूड़ा क्रिकेट उठाने और सफाई का काम निजी कंपनी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया, जहां पर भारी भरकम तनख्वाहों पर मुलाजमीन भर्ती किए गए, जो दफातर में बैठ कर कौमी खजाने पर बोझ बने हुए हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी यासिर रजा ने ज्वाइन किया है सियालकोट से। यासिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से, आम शाहराओं और दीगर सड़कों पर स्कूलों के बाहर भी कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं सियालकोट में। जी बिल्कुल, शहर इकबाल की आम शाहराओं, सड़कों, गली महलों और सरकारी स्कूलों के बाहर कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली इंतजामिया ने जो शहर इकबाल को खूबसूरत बनाने के जो दावे देखे हैं वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। कूड़े क्रिकेट के ढेर दिल्ली इंतजामिया और साल बेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी का मुंह चाह रहे हैं और देखा जा सकता है फुटेज में कि जगह जगह गंदगी के बायस शहर इकबाल की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी है। शहर बाढ़ से जो कूड़ा करके उठाने का की जो जिम्मेदारी है वो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उठा रखी है, जिसके मुलाजमीन पुरकशिश तनखाएं तो वसूल कर रहे हैं और साथ साथ इनके अमले के साथ साथ तमाम सर वसाइल उनको मुहैया किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो कूड़े करके के ढेर हैं उसको शहर को उसमें तब्दील किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बाहर जो कूड़े करकट के जो कूड़ा दान बनाए गए हैं वहां पर कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं। जो तालिब इलम है उनको सेहत अफजा माहौल फ्राहम करने की बजाय तलबा तलबात के लिए तलीमी सरगर्मियां भी जारी रखना महाल हो चुका है। बच्चे तलीम के जेवर से रास्ता होने की बजाय मूजी अमराज में मुबतला हो रहे हैं।